16 अप्रैल 1889 को लंदन में जन्मे चार्ली चैपलिन का फिल्मों में अभिनय का सफर मूक फिल्मों से शुरू हुआ था और बोलती फिल्मों तक जारी रहा। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों की उदासियां दूर की और दुख में भी हंसना सिखाया। चार्ली चैपलिन हमेशा मस्खरा बने रहना चाहते थे, लोगों को हंसाना चाहते थे, लेकिन खुद चार्ली के दिल में दर्द बेशुमार था। उन्हें बारिश बहुत पसंद थी क्योंकि बारिश में उनके आंसू कोई और नहीं देख सकता था। दिसंबर 1977 को जब चार्ली ने 88 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी तो ऑस्कर के अकादमी पुरस्कार के साथ कई अन्य सम्मान उनकी झोली में थे और दिल में था अपने चाहने वाले बेशुमार प्रशंसकों का प्यार। आज भी जब चार्ली चैपलिन को दुनिया छोड़े 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, उनके प्रशंसकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और यकीनन ऐसा तब तक रहेगा जब तक सिनेमा रहेगा, सिनेमा को चाहने वाले रहेंगे। $0.15, please.